व्हाट्सअप गाइस, सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो स्ट्रेंथ लॉस आफ्टर कट, सो इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। व्हाई डू वी लूज स्ट्रेंथ ड्यूरिंग वेट लॉस, हाउ मच स्ट्रेंथ डू वी लूज, एंड हु लॉस्ट मोर स्ट्रेंथ। सो व्हाई डू वी लूज स्ट्रेंथ, तो इसके भी पांच रीजन है या पांच पॉइंट है। एक पहला है मसल लॉस, दूसरा है डिक्रीज कैलोरी इनटेक, तीसरा है रिड्यूस्ड ग्लाइकोजन स्टोर, एंड चौथा है चेंज इन हार्मोन लेवल, एंड लास्ट वन इज मोटिवेशन एंड एनर्जी लेवल। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। सो जब अपन अपनी कैलोरी इनटेक को या तो रैपिड या एक्सट्रीमली कम कर देते हैं, अपनी बॉडी एनर्जी के लिए मसल टिश्यू को ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, तो अपना क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ लूज होता है। डिक्रीज कैलोरी इनटेक, जब आप इनफ कैलोरी इनटेक नहीं कर पा रहे हो जो आपके मसल मास मेंटेन या गेन को सपोर्ट करे, तो आपका स्ट्रेंथ लूज होएगा। रिड्यूस ग्लाइकोजन स्टोर, तो बेसिकली कार्ब्स जो खाते हैं अपन, वो अपनी मसल में एज ए ग्लाइकोजन स्टोर होता है, एंड जैसे जैसे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन लगते हैं वो स्टोर खत्म होता जाता है, एंड रिजल्ट में स्ट्रेंथ लॉस मिलता है। चेंज इन हार्मोन लेवल, अगर अपना फैट लॉस ज्यादा हो गया है या रैपिड हो गया है, तो उससे हार्मोन लेवल पे फर्क पड़ेगा, एंड उससे अपन स्ट्रेंथ डिक्रीज भी देख सकते हैं। डिक्रीज्ड मोटिवेशन एंड एनर्जी, तो भाई इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगा के कौन ही मोटिवेटेड फील करेगा, लाइक पहले जितनी स्ट्रेंथ नहीं, पहले जितना पंप नहीं, तो बंदे का थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाता है। जब फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर मेंटल स्ट्रेंथ भी टूट जाती है, तो अपने आप स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो अब आता है सेकंड पॉइंट, कि कितनी स्ट्रेंथ अपन लूज करेंगे, कितना परसेंट ऑफ अपना स्ट्रेंथ अपन लूज करेंगे। तो ये नंबर कोई स्पेसिफिक नहीं है, अगर आप अच्छे अच्छे लेवल पे लिफ्ट करते हैं, आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, तो आपकी स्ट्रेंथ 10 से 15% तक कम होगी, नहीं तो रिसर्च के अकॉर्डिंग ये 40% तक नंबर देखा गया है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है कि मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ लूज किसकी हुई। ठीक है, तो ये चीजें वेरी करती है, चीज वेरी करती है, ठीक है, कि एक्टिविटी पे वेरी करेगी, मतलब बंदा भाग दौड़ कितना रहा है, या उसकी जॉब वगैरह है, स्ट्रेस कितना उसकी लाइफ में, या उसको ट्रेवल करना पड़ता है कि नहीं पड़ता, ठीक है, उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है उसका, तो इन सब चीजों पे ये मैटर करती है। ठीक है, तो इनमें से मतलब अगर कोई नॉर्मल बंदा दो तीन चीजें कर रहा हो, लाइक कि उसकी जॉब है, उसको खेलना भी पड़ता है, उसको ट्रेवल करना पड़ता है, तो उसकी स्ट्रेंथ 30-40% तक तो ड्रॉप होएगी यार। ठीक है, तो अब मैं अपनी बात करता हूँ। जब मैं पहले बल्क पे था, तो मेरा 84 kg वेट था, एंड मेरा पीआर आया 197.5 kg। अब मेरा कट है, ठीक है, अब मेरा कट में हो गया, मेरा लगभग 71 kg वेट अभी मेरा, एंड अभी भी मेरा पीआर है 190। ठीक है, 190 के आसपास मेरा पीआर है, तो 197 मेरा 84 पे था, 71 पे मेरा 190 है। ठीक है, लाइक मेरा पीआर इंक्रीज हुआ है, मेरा पीआर इंक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज नहीं है। तो ये कैसे, तो मैं ना 184 पे पीआर लेने वाला था ना, तब मैंने लिया प्री वर्कआउट, ठीक है, अब उसकी वजह से पंप आया, पंप की वजह से मैं पीआर नहीं ले पाया, क्योंकि मेरी मूवमेंट ही नहीं हो पाई, ना मेरे से बार उठी, ना मैं लो कर पाया, मेरा पोस्चर चेंज हो गया पंप के कारण। ठीक है, तो कुछ ऐसा ऐसा इफेक्ट आया उसका प्री वर्कआउट। अब मैं प्री वर्कआउट नहीं लेता, अब मेरा पोस्चर चेंज हुआ है, मेरी मतलब बॉडी शेप चेंज हुई। ठीक है यार, 13 किलो लूज किया मैंने, बॉडी शेप आराम से चेंज, तो मेरा पीआर इजी आया। एंड हाँ, और मैं ये क्या बोलते हैं, मैं कार्ब्स कम नहीं करता, मैं कार्ब्स एलिमिनेट कर देता हूँ, मैं कीटो करता हूँ, तो मतलब मेरा मेटाबॉलिज्म शिफ्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट से फैट पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेंथ एक बार जाएगी फिर वापस आ जाएगी मेरी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, तगड़े होने पर ध्यान दो। There's no point standing around. We'll only be showered by more boulders. Ready your horses on the double.